सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। और आप सबको पता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा है और इसको नई दुनिया भी कहा जाता है। तो ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं। तो नई दुनिया जो है अमेरिका को बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि 1492 में इसकी खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और लोकेशन आपको थोड़ी देख लेनी है क्योंकि उत्तरी अमेरिका जो है बहुत विस्तार में फैला हुआ है। आर्कटिक सागर से लेकर पनामा जो जलसंधि है वहाँ तक ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। मैप आप इसको थोड़ा सा देखना, आपको मैप इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखो ऊपर इसके आर्कटिक सागर है, ग्रीनलैंड है, नीचे जो है पनामा नहर है, कैरेबियन सागर है। यदि इसके एक तरफ प्रशांत महासागर है, पश्चिम में तो पूरब में अटलांटिक महासागर है। तो एक तो देखो मैं आपको बताऊं, आप हर महाद्वीप को जब पढ़ रहे हो ना तो मैपिंग ज़रूर देखें। ये जो है नॉर्थ है और ये उस महाद्वीप का साउथ है, ये उसका मतलब उत्तर है और ये दक्षिण है और ये उसका पूरब है और ये उसका पश्चिम है हर महाद्वीप की। अब आप अमेरिका की बात करोगे तो अटलांटिक महासागर इधर पड़ता है, ऊपर आर्कटिक सागर पड़ता है, नीचे यदि आप बात करोगे तो पनामा नहर और पनामा सागर, मेक्सिको की खाड़ी ये आ जाएगा, और इधर जो है पश्चिम में इसके पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है। तो अब मैप आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें कोई शक नहीं, मैप आप बना लेना, लेकिन लोकेशन इसकी इस प्रकार से रहेंगी और इसलिए आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हो मेरे सामने, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और थोड़ा सा इसकी स्थिति को आप लोग देख लोगे तो आपको हेल्प जो है 100% जो है मिलेगी। फिर हम लोग बात करें इसके भौतिक प्रदेशों की, तो मैं भौतिक प्रदेश ज़रूर, अमेरिका की जो मुख्य भूमि है वो कितने भौतिक भागों में विभक्त है, तो मैं वो भौतिक प्रदेश ज़रूर इसके आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। फिजिकल रीजन्स जो है अमेरिका के, जिसको अवसंरचना भी बोल सकते हैं, तो भौतिक प्रदेश या फिजिकल रीजन जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रहे। तो ये आपको थोड़ा सा देखना भी चाहिए, मेरे हिसाब में देखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बनता है। इसलिए तो एक तो देखिए कैनेडियन या लॉरेंशियन शील्ड, मतलब जो ए पार्ट है उसमें आप लिखोगे कैनेडियन शील्ड। देखो कम से कम ये भी वीडियो 20 मिनट का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा, इसका भी दो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद है अल्पेशियन सी, अल्पेशियन पर्वत, और इसके बाद है जिसको अल्पेशियन माउंटेन्स बोलते हैं। फिर है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश यानी सेंट्रल प्लेन रीजन, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश यानी सेंट्रल प्लेन रीजन। इसके बाद पश्चिमी उच्च भूमि, मतलब इसको जो डी पॉइंट आप लिखोगे पश्चिमी उच्च भूमि, तो ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद पश्चिमी उच्च भूमि के बाद आप लोग जब ये चार भाग कंप्लीट हो जाते हैं तो ये इसके मेन जो भाग है ना वो तो ये चार ही हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें उच्चावचन या मैदानी पठारी भाग की, तो वहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि एक एक जो एरिया है ना उसे आप लोग तटीय मैदान या पठार में डिवाइड कर सकते हो। मतलब इसमें यदि आप और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एक तो आ जाएगा तटीय मैदान, तटीय मैदान इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, और इसके माध्यम से भी आप इसको समझ पाओगे। देखिए मैप आप इसको ज़रूर, मैप को ज़रूर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। अच्छा अमेरिका की जलवायु के बारे में आप पढ़ोगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि अमेरिका के जलवायु के प्रदेश आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स,
क्योंकि मैंने पुराने जो एशिया के अलावा कहीं आपको क्लाइमेटिक रीजन के लिए बोला नहीं था, लेकिन अमेरिका के जलवायु प्रदेश जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी जलवायु अपने आप में थोड़ी सी अलग है और एग्ज़ाम में आने लायक है। तो एक तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, मैं नाम सिर्फ लिख देता हूँ, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय देखिए, ये फिर उष्ण कटिबंधीय एक तो वर्षा वाला रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। फिर ट्रॉपिकल सवाना उष्ण कटिबंधीय, सवाना, और इसके बाद उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय, ध्यान रहे उपोष्ण, यानी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल इसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण। कटिबंधीय और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मरुस्थलीय यानी डेजर्ट। ये इनको नाम याद कर लेना और थोड़ा थोड़ा सा कौन कौन से एरिया में है ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ ये कैसी जलवायु मिलती है। फिर है भूमध्य सागरीय, देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात करें मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति की तो शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, आप भी इसको छोड़ देना भले ही, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। देखिए खनिज संसाधन आपको यहाँ भी देखने हैं, मैंने पहले ही कहा है कि मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, तो अमेरिका में भी आपको खनिज संसाधन तो देखने ही देखने हैं, क्योंकि खनिज संसाधन तो एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अच्छा जब आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हो तो नॉर्थ अमेरिका में दो ही देश बड़े हैं, देखो एक तो कनाडा है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, मतलब बहुत ज़्यादा देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें दो ही देश बड़े हैं, बाकी और कुछ है नहीं। तो अब मेरा ये मानना है कि इसमें जब आप जब पढ़ोगे तो खनिज संसाधनों में सबसे पहले पढ़ोगे आप आयरन ओर यानी लौह अयस्क, आयरन ओर यानी लौह अयस्क। अब लौह अयस्क में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए लौह अयस्क पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ मिलता है, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं, देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे और ये तो करने ही पड़ेंगे। देखो इसमें मैं भी आप लोग को बेटा मक्कारी करने के लिए नहीं कहूँगा। एक तो सुपीरियर झील क्षेत्र, भले इतने नाम याद कर लो आप लोग, सुपीरियर झील क्षेत्र, यदि मैप याद कर लो तो और अच्छी बात है, अमेरिका का मैप तो बहुत सिंपल है। सुपीरियर झील क्षेत्र, मैसाम, और इसके अलावा जो देखिए अब इसमें सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मैं सब टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और इसके अलावा जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और इसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र, मैं आपको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, ये एरिया वाइज बता रहा हूँ। तो इन एरियाज के नाम आपको याद करने हैं, और यदि मैप में आप दिखा दोगे तो ये जो आपका जो अंक है वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आप कनाडा की स्थिति बता दो, भाई अमेरिका की बता दी तो कनाडा की बता दो, अब कुछ एरिया कनाडा के याद कर लो। याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर वहीं से आपके नंबर जो है अच्छे आने की संभावना एक प्रकार से रहती है। देखो एक तो न्यू फाउंडलैंड, यहां से कुछ ये एक तो ये बनता है, एक ओंटेरियो, देखो ओंटेरियो पर्वत श्रृंखला है और वहां पर ये काफी मिलता है, तो ओंटेरियो क्षेत्र। और इसके बाद जो है ब्रिटिश कोलंबिया, ये ब्रिटिश कोलंबिया की लोकेशन भी यही है, तो ब्रिटिश कोलंबिया। और एक और एरिया है, मतलब एक और देश है जो भी इसी का हिस्सा है, वो है मैक्सिको। अब मैक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। तो एक तो आप लोग
बहुत अच्छे से आयरन एंड ओर को पढ़ लेना। इसके अलावा आप सिर्फ तांवा और मैगजीन और पढ़ लेना, तांवा और मैगजीन, बाकी खनिजों को आप लोग छोड़ देना और अपनी बुक में से देख लो आप लोग। इसको मैं इतना पढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी आप लोगों को भी दिक्कत होगी। फिर जो है शक्ति के संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए एनर्जी रिसोर्सेज निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, शक्ति के संसाधन, ये भी मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि शक्ति के संसाधन आप लोगों को याद करने ही करने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा और 100% आएगा। अब देखिए फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ एरियाज अपन को रट लेने हैं कि वो इस फील्ड में मिलते ही मिलते हैं। कोयला यानी कोयल, COAL। तो अब यदि आप कोयले की बात करोगे तो फिर पहला देश तो वही अमेरिका। देखो उत्तरी अमेरिका के तीन देश कौन कौन से हैं, अमेरिका है, और इसके साथ ही आप देखोगे अमेरिका के साथ तो एक और महत्वपूर्ण देश है, वो है कनाडा, एक मेक्सिको। तो बहुत ज़्यादा देश है नहीं, और क्षेत्र जब आप याद कर लोगे तो वो रेंजेज किस फिक्स है। अब देखिए जब आप कोयले की बात करोगे तो पहले तो आप वही संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। तो USA में कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको देखना है। तो देखिए अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है, तो अल्पेशियन की पूरी रेंज में ये मिलता है, अल्पेशियन क्षेत्र में, तो अल्पेशियन क्षेत्र में ये मिलता ही मिलता है, ये आपको रटना है एक प्रकार से। अच्छा इसके अलावा आंतरिक कोयला क्षेत्र भी है, अल्पेशियन के अलावा आंतरिक कोयला क्षेत्र है। अब अल्पेशियन के भी कुछ एरियाज हैं, वो आप बुक में से देख लेना चाहो तो, यदि आप रटना याद करने में सक्षम हो तो, क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। आंतरिक क्षेत्र, और यदि आप लोग और इसमें आगे बढ़ोगे तो रॉकी क्षेत्र, क्योंकि रॉकी पर्वत श्रृंखला भी यही है, तो रॉकी क्षेत्र, फिर खाड़ी तटीय क्षेत्र में भी ये मिलता है, खाड़ी तटीय क्षेत्र और प्रशांत तटीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा जो याद करना है वो क्या करना है, वो एक कुछ कनाडा याद करना है, कनाडा के कुछ एरियाज को याद कर लो, और कुछ जो है मैक्सिको के कर लो। अब ये तीन तो देश हैं तो यही तो आपको रटने हैं। और इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों को याद कर लो कोयले के अलावा, क्योंकि दो ही तो महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन हैं, कोयला और पेट्रोलियम। फिर पेट्रोलियम के भी क्षेत्रों को रट मारो। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हो मेरे सामने, और ये क्वेश्चन भी आप लोग यदि करोगे तो हेल्प मिलेगी। और देखो अमेरिका में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, एग्रीकल्चर, और अमेरिका में जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है ख़ास तौर पे उत्तरी अमेरिका में, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ फसलें आपको याद करनी है, एक तो वीट यानी गेहूँ आपको याद करना है, गेहूँ की जो जलवायु की दशा है वो कैसी है, मिट्टी कैसी है, और कौन कौन से देशों में इसका उत्पादन होता है। तो गेहूँ और चावल आपको पढ़ना है इसमें से, और ख़ुद ही पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि शायद ज़रूरी नहीं है, आप लोग पढ़ लोगे इतने तो होशियार हो ही। और अमेरिका में क्या है, मक्का बहुत फेमस है, तो गेहूँ और चावल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मक्का है, तो मक्का को आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लेना। और इसमें देखो इसकी भौगोलिक दशाएँ आप ज़रूर देख लेना, और उत्पादन के क्षेत्र, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक अवस्थाएँ और मतलब एक तो हर फसल की भौगोलिक अवस्थाएँ, यानी भौगोलिक अवस्थाओं में क्या चीज़ पढ़ोगे आप लोग, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, और इसके अलावा उसको मिट्टी कैसी चाहिए, मतलब ये चीज़ें हैं मोटी मोटी, इनको आप लोग रीड कर लोगे तो मेरे सामने ये बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। उत्पादन के क्षेत्र मैंने पहले ही कह दिया कि वही अमेरिका है, मैक्सिको है और कनाडा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इस पूरी यूनिट में कुछ नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता पूरे उसमें ही नहीं है। थोड़ा गन्ना आप देख सकते हो इसमें से आप लोग गन्ना देख सकते हो, और एक कपास भी आप देख सकते हो, और पिछले पेपर के बेस पर भी थोड़ा सा निर्णय निकाल लेना, क्योंकि अब मैं आपसे ये कह दूँ कि ये मत पढ़ो तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अच्छा अमेरिका में जो है औद्योगिक दृष्टि से आप देखोगे तो अमेरिका में उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं,
और इसमें यदि सबसे पहला है ना वो तो वही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। देखो हर उसमें आयरन एंड स्टील आ रहा है, और आप सबको पता है कि आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब बेसिक इंडस्ट्री है, इसके बिना कुछ होता भी नहीं है। अब इसमें भी वही चीज़ है आयरन एंड स्टील में कि सबसे पहले तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका की ही बात करोगे। मैं इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें इसमें सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, अब उसके क्षेत्र याद कर लो आप कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ होता है, तो एक तो पिट्सबर्ग वाला एरिया है, पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। अब ये नाम थोड़े से अजीब लग सकते हैं आपको, लेकिन मेरे सामने याद हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और शिकांगो वाला एरिया है, शिकांगो गैरी क्षेत्र, शिकांगो गैरी क्षेत्र, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इरी झील क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, इरी झील क्षेत्र। देखिए इस साल हम लेट हो गए, लेकिन अगले साल तो आप निश्चिंत रहो, मैं सारे वीडियोस पहले ही अपलोड करके रखूँगा, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं जैसे कि अब अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे, और लगभग सभी सब्जेक्ट के सभी पेपरों को हम अगले साल यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को कॉलेज के लिए तो कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। चौथे नंबर पर मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, इसको आप लोग यहां से देख सकते हो। फिर दक्षिणी क्षेत्र, और इसके बाद जो है कुछ एरियाज कनाडा के हैं और कुछ मेक्सिको के हैं। इसको देख लो, सूती वस्त्र उद्योग को जरूर देख लेना, क्योंकि ये यहाँ का फेमस है, तो सूती वस्त्र उद्योग आपको जरूर देख लेना है। और मेरे हिसाब में इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है इस वाले सेक्शन से। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों को जरूर आप जरूर देख लेना, सॉरी उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल रीजन जरूर देख लेना। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इसको सारे नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा मोटे तौर पर आपको आइडिया समझा देता हूं। देखिए एक तो अटलांटिक तटीय क्षेत्र, अटलांटिक तटीय क्षेत्र यानी अटलांटिक कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, और इसके कुछ एरियाज हैं वो आप लोग उनके नाम याद कर लो, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, मेट्रो पॉलिटन क्षेत्र। यदि आपने मैप बना करके आंसर दे दिए बेटा, तो इस पेपर में आपके 60, 65, 70 नंबर आएंगे। न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड राज्य, ये अमेरिका में ही पड़ता है, इसको इसको लेकर के कन्फ्यूज ना हो, न्यू इंग्लैंड राज्य। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मध्य अटलांटिक राज्य, मध्य अटलांटिक, और इसके अलावा जो है मध्य न्यूयॉर्क। अब ये देखिए बहुत कॉमन कॉमन से नाम है, अब आपको सिर्फ नाम ही याद करने हैं, कुछ नहीं करना। ये हो गया एक तो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का ये एरिया, एक है भीतरी औद्योगिक प्रदेश यानी इंटरनल इंडस्ट्रियल रीजन, वो तो तटीय हो गए, ये हो गए इंटरनल औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल रीजन। अब इसके कुछ एरियाज हैं वो आप लोग देख लेना, एक तो पिट्सबर्ग वाला एरिया है, एक डेट्रायट है, पिट्सबर्ग नंबर वन इसमें, सॉरी पिट्सबर्ग और डेट्रायट और इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आप लोग जो हैं और एरियाज को भी देख सकते हो, जिसमें मिशिगन है, सिनसिनाटी है, तो मिशिगन भी इसी में आ जाएगा और सिनसिनाटी भी इसी में आ जाएगा, सिनसिनाटी। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ोगे तो जो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। और अन्य औद्योगिक क्षेत्र, अदर अदर इंडस्ट्रियल रीजन्स, अदर इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आप लोग या जो है कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र देख लेना, और अलग से कनाडा का नहीं पूछेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, और ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन मेरे हिसाब में नहीं आना चाहिए,
बाकी यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लेना। और इसी तरीके से जो है परिवहन के ऊपर भी शायद क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक चीज़ें थी जो मुझे इस चैप्टर से शेयर करनी थी, और जो आपकी आखिरी यूनिट है उसको भी मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की। थैंक यू सो मच।